कानून बनाने को लेकर हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत द्वारा इंदौर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार को धन्यवाद प्रेषित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद जैसे गंभीर विषय पर कानून बनाने का निर्णय लेने के लिए हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत के लोगों ने एक प्रेस मीट के माध्यम से सरकार को धन्यवाद प्रेषित किया। इस दौरान हिंदू संगठन के नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद जैसे गंभीर विषय पर संवेदनशील होकर जो कानून बनाने जा रही है उसके लिए हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत हृदय से सरकार का स्वागत करता है। लव जिहाद संबंधित विभिन्न मामले में प्रतिदिन पूरे देश में संज्ञान में रहते हैं, जिसमें कुछ समय से देखा जा रहा है कि हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला कर षड्यंत्र पूर्वक शिकार बनाया जा रहा है। इसे रोकने का प्रयास हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर किया जाता है। बताएं किस विषय को लेकर आज ये प्रेस वार्ता है? मध्य प्रदेश सरकार ने जो लव जिहाद के लिए कानून बनाया है उसके धन्यवाद प्रेषित करने के लिए इसी का आयोजन कराया। क्या कहना चाहेंगे आज इसमें प्रेस के माध्यम से सरकार के बारे में? सरकार ने अच्छा कानून बनाया है, हमारे प्रदेश की बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए जो कानून बना है वो निश्चित ही स्वागत योग्य है और सरकार को इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं। सर कानून बन गया है लेकिन लगातार घटनाएं बढ़ रही है, उज्जैन में भी एक घटना सामने आई है, इसके बाद एक और घटनाएं सामने आई है, ऐसे में किस तरह से देखते हैं आप हिंदू जागरण मंच की ओर से? हिंदू जागरण मंच समाज में जागृति लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। सारे प्रदेश में हमारी इकाइयाँ हैं, केवल लव जिहादी नहीं, सारे समाज में सारी माता बहनों को सम्मान मिले, वो सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके, इसे तो हिंदू जागरण में निरंतर प्रयत्नशील है। सर हिंदू संगठन एक गौ माता को लेकर हमेशा बड़े बड़े बनाता आयोजन रहता है, नए नए मतलब योजनाएं बनती है, लेकिन इस पर अभी तक कोई किसी तरह से कार्य ढंग से नहीं हो पा रहा है। गाय आज भी कट रही है, आज भी उस पर काम ठीक है, क्या कहेंगे आप? गाय कट रही है वो गलत है, उसको रोकना चाहिए। सब केवल हम सोचें कि सरकार कानून बनाएगा और कानून से सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये संभव नहीं है। समाज के अंदर जागृति आना चाहिए, उस कानून का सम्मान करने का मतलब है कि समाज जागृत बने, समाज की जो समस्याएं हैं वो समाज ही उसको ठीक करे। तो ये गोहत्या का भी जो विषय है, एक्चुअली अब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोहत्या वाला विषय नहीं है, चूँकि आपने पूछा है इसलिए मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि समाज उसके लिए जागृत होगा, जागृत करने का प्रयत्न जो संगठन इस काम को देख रहा है वो निरंतर करे जा रहे हैं। आपको परिचय? आशीष बसु, अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मालवा। आप नारी शक्ति लव जिहाद को किस तरह से आप देखते हैं जो अभी कानून बना है, क्या कहेंगे आप? देखिए वास्तव में लव जिहाद कहीं ना कहीं नारी शक्ति को महिलाओं के लिए बहुत ही परेशानी वाला था, उनके साथ अमानवीय हरकतें होती थी, उनको बहलाया फुसलाया जाता था और फिर बाद में उनके साथ उनकी बहुत दुर्दशा होती थी। इसलिए ये कानून आने से कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा संरक्षा मिल रही है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, इसलिए कानून आना बहुत ही आवश्यक था। और हिंदू जागरण मंच इस कानून का बहुत ही स्वागत करता है और समाज से भी अपील करता है कि वो अपने धर्म पंथ से उठ के इस ऊपर उठ के इस कानून का स्वागत करें और जन जागृति आए लोगों में। आपका परिचय? अपर्णा शर्मा, प्रांत वीरांगना वाहिनी संयोजिका, हिंदू जागरण मंच।